हेलो माय BTS आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आर्मीज क्या आप सभी को ये पता है, इन दिनों सोशल मीडिया पर जिमिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जस्ट बिकॉज उनकी डेटिंग को लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको BTS जिमिन एंड सॉन्ग दी योन के बारे में बताऊंगी कि क्या वाकई में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड ये दोनों एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आप सभी को रियलिटी पता चल जाएगी कि क्या वाकई में ये दोनों कपल हैं। तो आर्मीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अब से एक साल पहले भी जिमिन एंड सॉन्ग दी योन की डेटिंग लाइफ को और पहले भी बहुत सारी न्यूज़ वायरल हुई थी और उन सभी न्यूज़ वालों ने ऐसे 12 एविडेंस दिए थे जिसमें जिमिन एंड सॉन्ग दी योन सेम चीज़ें पहने हुए थे, जिसके बेस पर उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि BTS जिमिन एंड सॉन्ग दी योन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये दोनों कपल हैं। और एक साल के बाद अब फिर से ये न्यूज़ वायरल होने लगी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड पहले की तरह अभी बहुत सारे एविडेंस दिखाए गए, जिसको देखकर बहुत सारी आर्मी ने तो बिलीव कर लिया कि हाँ वाकई में ये दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं। ये तो थी वो इनोसेंट आर्मी जो किसी के बहकावे में आकर या किसी की झूठ मूठ बातों पर भी बिलीव कर लेते हैं, बट बहुत सारी आर्मी जिमिन की डेटिंग रूमर को लेकर भड़क उठी है। उन सभी आर्मी ने जिमिन के लिए हैशटैग निकाले कि जिमिन की जब कोई एल्बम रिलीज होती है तो कोई ना कोई न्यूज़ वाले या कोई उनके हेटर कोई ऐसी न्यूज़ को सेपरेट करते हैं जिससे जिमिन के फैन का ध्यान इधर उधर भटक जाए और वो उनकी सोलो एल्बम यानी कि फेस एल्बम पर इतना ज़्यादा फोकस ना कर पाए, जिसके चलते जिमिन को लॉस हो एंड जिमिन के एल्बम एंड जिमिन के सॉन्ग उतने ज़्यादा सक्सेस ना हो जिनके जिमिन हकदार हैं। और बहुत सारे आर्मी का तो ये भी कहना है कि हेटर लोग चाहे कुछ भी बोले, हम जिमिन को पूरा सपोर्ट करेंगे एंड जिमिन के करियर पर थोड़ी सी भी आंच नहीं आने देंगे और हम जिमिन को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और हम किसी की बात पर बिलीव नहीं करेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, उन सभी आर्मी का जिमिन को लेकर ये सब बातें कहना पूरी तरीके से जायज़ है। इनफैक्ट मैं तो उनकी बातों पर एग्री करती हूँ। ऐसी बातों को वही लोग सेपरेट कर रहे हैं जो जिमिन के हेटर हैं एंड जिमिन की सक्सेस से वो लोग जलते हैं। एंड गाइस बहुत सारी आर्मी का जिमिन को लेकर ये भी कहना कि जिमिन सॉन्ग दी योन को अगर डेट भी कर रहे हैं तो किसी का क्या जा रहा है एंड आप लोगों को क्यों फ़र्क पड़ता है कि जिमिन किसी को डेट कर रहे हैं या जिमिन सॉन्ग दी योन को डेट कर रहा है। जिमिन का ये अपना डिसीजन है एंड जिमिन अब अडल हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं एंड आप उनको उनकी लाइफ के ऊपर छोड़ो। चाहे वो जिसको डेट करे, चाहे वो जिससे शादी करे, आपको कोई हक नहीं बनता उनकी लाइफ में अफेयर करने का। एंड कुछ आर्मी ने तो ये भी बताया एंड फोटो तक पोस्ट कर दिए कि मैंने जो इस फोटो में ये लॉकेट पहना हुआ है ये जिमिन के जैसा है, तो जिमिन और मैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हुआ है। एंड बहुत सारी आर्मी ने अलग अलग तरीके से मीम एंड यहाँ तक कि गाली देना शुरू कर दिया। आप इस वीडियो में खुद पढ़ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर सभी BTS आर्मी अब तो भड़क उठी है उन हेटर के ऊपर जो BTS की लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ वायरल करते रहते हैं। एंड आर्मीज मैं आपको बता दूं, उन सभी आर्मी का भड़कना बिल्कुल ठीक है। एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मुझे कोई BTS हेटर मिल जाए एंड BTS के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे तो मैं उनके कान के नीचे 4 रैप्टे बजाने वाली हूँ। अब तो हद हो गया यार, अगर कोई सेम चीज़ें पहनेगा तो वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हो गए क्या? बहुत हो चुका यार। BTS हेटर अब अपनी फालतू की बकवास करना बंद करो एंड ये मान लो कि BTS के मेंबर चाहे जिसको भी डेट करें एंड किसी के साथ भी शादी करें, आपकी इतनी क्यों जल रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग खुद BTS मेंबर को बॉयफ्रेंड बनाना चाहते होंगे, इस वजह से आपकी जलती है उनको किसी और के साथ देखकर है। ब्रो मेरे को किसी का नहीं पता, बट मैं मेरे BTS को हमेशा सपोर्ट करने वाली हूँ। तो आर्मीज इस वीडियो के बारे में आप अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।